أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. سورة التحريم یہ مدنی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر کل 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اور مدنی سورتوں میں آپ جانتے ہیں کہ احکامات ہوتے ہیں. تحریم کا معنی ہے حرام کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا. اور پہلی آیت میں لفظ آیا ہے لِمَ تُحَرِّمُ، آپ کیوں حرام کرتے ہیں. تو تُحَرِّمُ فعل ہے اور اس سے مصدر ہے تحریم، حَرَّمَ يُحَرِّمُ تَحْرِيمًا، کسی چیز کو حرام قرار دینا. تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ التحریم رکھا گیا ہے. کچھ لوگ بچیوں کے نام تحریم رکھتے ہیں، درست نہیں ہے. حریم رکھتے ہیں، درست نہیں ہے. تحریم، حریم، نام وہ رکھو جو اچھے معنی کے نام ہوں، صحابیات کے ناموں پر نام ہوں اور نیک خواتین کے ناموں پر نام ہوں. ایسا نام مت تلاش کرو کہ جس نام سے پتہ بھی نہ چلے کہ یہ مذکر کا نام ہے یا مؤنث کا نام ہے، مرد کا نام ہے یا عورت کا نام ہے. کتنے نام ایسے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کیا جائے. تو بہتر نام، اچھا نام. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو قرآن کریم سے نکالا ہے. ارے بھائی، قرآن کریم سے نکالنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہر نام نام بننے کی، ہر لفظ قرآن کا نام بننے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھنا ہے نا. وہ لفظ ایسا ہو جس کے اندر نام رکھنے کی صلاحیت تو ہو، تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے. تو بہرحال
नाम के मामले में एहतियात की ज़रूरत है। नाम के बड़े असरात होते हैं आदमी की शख्सियत पर, और जितना बेहतर से बेहतर नाम होगा उस बेहतर नाम के असरात उस शख्स की, मर्द की औरत की शख्सियत पर पड़ेंगे, इसलिए अच्छे नाम का इंतखाब फरमाएं। सूरत तहरीम का जो मौजू है वो है आयली ज़िंदगी। इसका ख़ास तौर पर जो पहला रुकू है वो आयली ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। घरेलू ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी में मियां बीवी सबसे बुनियाद और इकाई है कि मियां बीवी की बाहमी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए। एक शोहर अपनी बीवी से जब मोहब्बत करता है तो उस मोहब्बत के आड़े में कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, या एक बीवी अपने शोहर से मोहब्बत रखती है तो उस मोहब्बत के की आड़ में कहीं अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं हो रही है। तो गोया कि यहाँ मोहब्बत की हुदूद समझाई गई, मियां बीवी के दरमियान में मोहब्बत की हुदूद कहाँ तक होनी चाहिए। बेपनाह मोहब्बत दोनों में होनी चाहिए, बे इंतहा मोहब्बत दोनों में होनी चाहिए। और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि दो कोई भी मोहब्बत करने वाले, कोई भी दो मोहब्बत करने वाले मैंने ऐसे नहीं देखे जैसा कि मियां बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले होते। कमाल की मोहब्बत होनी चाहिए इस इज़्दिवाजी ज़िंदगी में। इस इज़्दिवाजी ज़िंदगी में जितनी मोहब्बत कामिल होगी, जितनी मोहब्बत ज़्यादा होगी तो मर्द औरत दोनों की ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। नंबर दो, इस मोहब्बत के नतीजे में मर्द औरत दोनों की ज़िंदगी इफ़्फ़त और पाक दामनी के साथ गुजरेगी। नंबर तीन, इस मोहब्बत का फ़ायदा ये होगा कि औलाद पर इसके असरात मुंतकिल हों। इस मोहब्बत के नतीजे में औलाद पर असरात मुंतकिल होंगे। अगर शोहर अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता है तो ये बेटों के लिए मिसाल है, इसलिए कि बेटे कल इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक होंगे। इनके लिए बाप की मोहब्बत एक नमूना होगी कि हमारे बाप ने हमारी माँ को कभी भी हमारे सामने कोसा और डांटा तक भी नहीं है, तो वो बच्चा भी जवान होकर ऐसा ही करेगा। इसी तरह से बीवी की मोहब्बत शोहर से बच्चियों के लिए मिसाल है। हमेशा इताअत और फर्माबरदारी में वो खड़ी रहती है, हमेशा इताअत और फर्माबरदारी में वो कायम रहती है, तो ये घर के अंदर नशो नमा पाने वाली बच्ची के लिए मिसाल है। इसलिए कि उस बच्ची ने भी कर दूसरे घर में जाना है। वो जो अपनी माँ का रवैया अपने बाप के साथ उसने जो देखा है वही कल जाकर अपने घर में वो करेगी। अगर हमेशा उसने माँ का रवैया अपने बाप के साथ बदतमीजी वाला देखा, तलखी वाला देखा और झड़कने वाला देखा, तो इस बच्ची के मिजाज में भी लाशुरी तौर पर यही चीज़ें बैठती चली जाएंगी। और यहाँ तो मुमकिन है बाप शरीफ था, उसने बर्दाश्त कर ली, अब ये जिस घर में जाएगी ये वो माँ की आदत इसमें मुंतकिल हुई थी, लेकिन वहाँ मुमकिन है इसका गुजारा ना हो सके। तो इसलिए इस दिवाजी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बुनियाद बाहमी मोहब्बत का होना। ये बाहमी मोहब्बत के फ़ायदे मैंने अर्ज़ किए। नंबर दो, इस दिवाजी ज़िंदगी में बाहमी एतमाद का होना। इस दिवाजी ज़िंदगी में शोहर के एतमाद को ठेस न पहुंचे, बीवी के एतमाद को ठेस न पहुंचे, और जितना ये रब्त और ताल्लुक बाहमी एतमाद पर होगा इतनी इनकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। शुकूक शुभहात न हो और न दूसरा शक शुभहे का मौका दे। गौर से सुनिएगा, दूसरा शक शुभहे का मौका भी न दे। शोहर घर में दाखिल हुआ, अब अगर ये मोबाइल में मसरूफ है और मोबाइल पर इसमें अपना पासवर्ड लगाया हुआ है, छुप के इस्तेमाल कर रही है, तो ये क्या हो रहा, एतमाद को ठेस पहुंचाई जा रही। इसने अपने मोबाइल पर पासवर्ड लगाया हुआ है और ये उससे अलहदा होकर अपना मोबाइल इस्तेमाल करता है,
तो ये एतमाद को ठेस पहुंच रही है। यहाँ समझें कि इस दिवाजी जिंदगी की उस बुनियाद में दराड़े पड़ रही है, दराड़े पड़ रही, और चंद दिनों के बाद ये शकूक और शुबहात यकीन में बदलना शुरू हो जाएंगे और फिर एक दूसरे के दरमियान में अलहदगी की नौबत आ जाएगी। क्यों ऐसा करते हैं? ये बहुत सारे जवानों का मामला है, बहुत सारी बेटियों का भी ये मामला है। अरे मुझे, मैं आज़ाद हूँ। क्यों तुम आज़ाद हो? ये कहता है मैं आज़ाद हूँ। अरे तुम क्यों आज़ाद हो? माना ये है कि ये शरीका हयात है, शरीक है, शरीक। ये लौंडी नहीं है, ये बांदी नहीं है, ये खादिमा नहीं है। जो इंसान का मुलाजिम होता है, खादिम होता है, वो खादिम पूछने का मजाज नहीं होता, वो नहीं रखता कि मैं क्यों पूछूं आपसे, आप जहाँ जा रहे हैं जाएं। लेकिन यहाँ तो शरीका है हयात है ना, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? शरीक हैं। कारोबार में दो आदमी शरीक होते हैं तो एक आदमी को अगर दूसरे पर जरा सा शुभा आता है तो वो पूछने का हक रखता है, क्योंकि वो शरीक है। इसी तरह से मियां बीवी दोनों शरीक हैं एक दूसरे के लिए, ये शरीक बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। जब शरीक बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं तो हर एक को दूसरे से पूछने का हक हासिल है, हक हासिल है। और उसमें आदमी को बुरा नहीं मनाना चाहिए कि मुझसे क्यों पूछा जा रहा, या वो बुरा ना मनाए मुझसे क्यों ये पूछ रहा, या ये बुरा ना बनाए कि ये मुझसे क्यों पूछ रही है। पूछने का उसका हक है, ये मोहब्बत उसका हक है। वो अगर इसमें किसी शक और शुभे में मुब्तला हो रही है कि शायद मेरा शौहर मेरे सिवा किसी और से भी ताल्लुक रखता है और नाजायज रास्ते से ताल्लुक रखता है, तो इस शुभे को दूर करना इसकी जिम्मेदारी है, इस शक को दूर करना इसकी जिम्मेदारी। इसी तरह से शौहर अगर किसी किस्म के शक में मुब्तला हो तो बीवी के लिए लाजिम है कि शौहर के इस शक और शुभे को दूर करे। इत्तकु मवाज़ियात, तो हम बड़ी अहम बात कहने लगा हूँ। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुहमत के मवाज़िअ से, तुहमत की जगहों से बचते रहा करो, तुहमत की जगहों से बचते रहा करो। जहां तुहमत आ सकती है उस जगह से अपने आप को फौरी बचाओ। और इसके लिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी हमारे लिए कितना नमूना है, उसवा हसना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एतकाफ में थे, अजवाज मुतहरात में से एक जोजा मोहतरमा तशरीफ लाई, आपसे कोई बात पूछी, आप दरवाजे तक पर तशरीफ ले गए और वापस आए, जो सहाबा बैठे हुए थे आपने उन्हें जिक्र कर दिया कि ये मेरी जोजा मोहतरमा थी। किसी को ये शुभा ना हो कि शायद किस औरत से आप बात कर रहे हैं, तो सहाबा ने कहा लेकर रसूल क्या हम आप पर कोई शक करेंगे? कहा नहीं, ये बात नहीं है, शायद शैतान तुम्हारे दिल में कोई वसवसा डाले, कोई ख्याल डाले। तो आपने अपने अमल से क्या बताया कि तुहमत की जगह से अपने आप को, आदमी को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। तुहमत की जगह से अपने आप को बचाना चाहिए, जहां इल्जाम आ सकता हो, तुहमत आ सकती हो, बचाना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में कोई ऐसा मैसेज है, आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं उससे तुहमत का अंदेशा है और मियां बीवी की बाहमी जिंदगी के अंदर दराड़ पड़ सकती है, तो आपको तुहमत से बचाना चाहिए अपने आप। क्यों ऐसा मौका देते हैं आप? अगर आप अपनी किसी बात का राज रखते हैं और वो आप नहीं चाहते कि आपका राज वो बीवी को पता चले या बीवी उस राज पर मुत्तले हो, तो वो फिर घर से बाहर बात किया करें। घर के अंदर अगर आप इस तरह से आकर बात करते हैं तो यकीनन शक शुभा है, शुकूक शुभात में मुब्तला होंगे। या इसी तरह से एक आदमी रात गए तक बाहर रहता है, मैं कहाँ गए थे, मर्जी मेरी, नहीं बताता, तो ये दिल आजारी की बात है, गोया कि दिल आजारी कर रहा है अपनी बीवी की, और इससे खानदानी निजाम धर्म बरम होता है, इससे खानदानी निजाम धर्म बरम होता है। और ये कोई बताना कि मैं फलां जगह जा रहा हूं, आ रहा हूं, ये बताना कोई बहादुरी के खिलाफ नहीं है। खुद प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना क्या है? आपकी जिंदगी देखो ना, क्या आपको, आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल
दिन का रात का अजवाज मुतहरात को पता नहीं होता था। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को किस घर में पड़ाव फरमाएंगे, कहाँ रुकेंगे, तमाम अजवाज को मालूम था, तमाम अजवाज मुतहरात को पता था। एक मरतबा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिन था और रात को प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकल गए। अब सुनिएगा बहुत गौर से इस बात को, फितरत है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रात को आपको बिस्तर से गायब पाया तो मुझे ख्याल हुआ कि आप किसी और जोजा मोहतरमा के पास तशरीफ ले। आप सोचो तो सही, किसी और जोजा के पास जाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीगर जोजा के पास रात को जाना क्या नाजायज था? नहीं, आप पर बारी फर्ज नहीं थी, नाजायज तो नहीं था। लेकिन इधर क्या है, एक औरत है, उसकी फितरत है कि वो अपनी मोहब्बत में दूसरी को बर्दाश्त नहीं करती। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए घर से बाहर निकली, देखा आप इस्लाम कहाँ तशरीफ ले गए। देखा तो आप बकी से वापस आ रहे थे, रात को आप तशरीफ ले गए थे बकी में, कब्रस्तान में जो मदफून थे हजरात सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, वहां से इस्तिगफार करके आप वापस तशरीफ लाए। तो आपने फौरी बता दिया मैं बकी से वापस आ रहा हूं। ये तो नहीं कहा तुम्हें क्या जरूरत है पूछने की, भाई क्यों पूछ रही हो तुम? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना बताते, आपके जिम्मे बतलाना फर्ज नहीं था, लेकिन उम्मत के लिए सबक तो बना कि एक मुकद्दस काम से भी आप वापस आ रहे हैं तो आपने अपने घर में उस बात को जितलाया कि मैं यहां से वापस आ रहा हूं। क्यों? अपने आप को तुहमत से बचाना है। अगर यहां हाशवकल्ला सवाल नहीं पैदा हो रहा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक किसी किस्म का गुबार, अदना से अदना गुबार आ जाए, तसव्वुर भी नहीं हो सकता। लेकिन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म पर अमल करके दिखाया कि जहां तुहमत का अंदेशा हो वहां से आदमी को बचना चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था इज्दवाजी जिंदगी इस तरह से खुशगवार बनती है। अब इस सूरह मुबारका का जो पस मंजर है ना, वो पस मंजर आप समझेंगे तो फिर इस सूरत का तर्जमा समझ में आएगा। मैंने अर्ज किया था इज्दवाजी जिंदगी गुजारने का उसूल एक बताया कि इज्दवाजी जिंदगी का दारोमदार बाहमी मोहब्बत पर है, ठीक है। नंबर दो, इस दिवाजी जिंदगी गुजारने का दारा मदार बाहमी एतमाद पर है। ये दो उसूल याद रखिएगा। जब ये दो उसूल आप जहन नशीन फरमा चुके, अब तीसरी बात ये जहन नशीन फरमाइएगा, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के अहकाम को जो बयान फरमाया, शरीयत मुतहरा का, शरीयत इस्लामिया का मिजाज ये है कि अल्लाह के रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत पर अमल करके दिखाएंगे। ये कानून याद रखिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे? शरीयत पर अमल करके दिखाएंगे। जब हज का हुक्म आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर हज बनाकर भेजा, आप खुद हज के लिए तशरीफ नहीं ले गए। सहाबा को यकीन आ गया कि एक साल तक तो आपकी जिंदगी है ही है, क्यों? अमल करके दिखाएंगे ना। जब तक आप अमल करके नहीं दिखाएंगे आप दुनिया से तशरीफ नहीं ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यह बात ज़हन नशीन फरमाइएगा, नबी हर उस काम को करके दिखाता है जो नबुव्वत के शान के मुनासिब होता है। लिहाजा नमाज पढ़कर दिखाई, रोजा रख कर दिखाया, हज करके दिखाया, शादियां करके दिखाई, ठीक है। नंबर दो, वो काम जो बशरी तकाजे से ताल्लुक रखते हैं, इंसान है ना, इंसान में निस्यान है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बशर है, इंसान है, तो इंसान को भूल चूक होती है कि नहीं होती? बोलो, भूल चूक का हो जाना नबुव्वत के मनाफी और खिलाफ नहीं। यार नबी क्यों भूल गया? इंसान तो है। यार नबी क्यों बीमार हो गया? इंसान तो है। बात समझ रही? समझे? तो नबी बीमार भी होंगे, नबी पर भूख भी आएगी और नबी भूल चूक भी हो जाएगी। लिहाजा नमाज में आप भूले, नमाज में आप भूले कि चार रकातों की जगह दो बार आपने सलाम फेर दिया। एक सहाबी खड़े हुए और इरबाज उनका नाम था, अल्लाह के रसूल, अकुसरत सलात अम नसीत या रसूलल्लाह, नमाज मुख्तसर हो गई, आप भूल गए? आपने फरमाया नहीं मैं भूला हूं और ना मैं ना नमाज मुख्तसर हुई। फिर उन्होंने कहा अकुसरत सलात अम नसीत या रसूलल्लाह, नमाज मुख्तसर हो गई, आप भूल गए? तीन बार उन्होंने कहा। तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा असदका ज़ुल्यदैन, ज़ुल्यदैन उनका लकब था, उनके हाथ जरा बड़े थे तो आप उनको ज़ुल्यदैन कहते थे मोहब्बत से। तो सहाबा ने कहा जी अल्लाह के रसूल सही कह रहे, आपने दो रकातें पढ़ाई, फिर आपने दो रकातें बाकी पढ़ाकर सीधा सो करके नमाज पूरी की। उस वक्त नमाज में कलाम बात करना जायज था, इसलिए ये सवाल जवाब भी हुआ, तो दो रकातें मजीद आपने पढ़ी। पता चला कि भूल चूक होना ये नबुव्वत के खिलाफ, बोलो नहीं। तो ये क्यों बुलाए गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैं ये अगर कहूं तो बात बेजा नहीं होंगी कि मिन जाने बिल्लाह बुलाए गए ताकि नमाज में भूल जाने के अहकाम नबी बता सके। सीधा सौ का मसाइल के अहकाम कैसे आएंगे? ठीक है। नंबर तीन, एक और वाकया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गजवे से वापस तशरीफ ला रहे थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आम तौर पर मिजाज मुबारक यह होता था कि फजर से कुछ वक्त पहले किसी जगह पर पड़ाव डालते थे और उस वक्त पड़ाव डालकर थोड़ा सा इस्तराहत फरमा लेते और फिर फजर की अजान होती नमाज पढ़ लेते और नमाज के बाद फिर सफर जारी कर लिया करते थे। तो जब लंबा सफर होता था तो इस तरह से करते थे। तो फजर से कुछ पहले आपने पड़ाव डाला और आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन हमें नमाज के लिए उठाएगा, कौन जगाए? पता ये चला कि जाहिरी असबाब का इंसान मुहताज। अगर एक बुजुर्ग आपसे कहता है मुझे नमाज के लिए उठा देना, तो आप इल्जाम नहीं धर सकते कि दो लो इतना बड़ा बुजुर्ग है और इसको भी नमाज के लिए उठाया जाए। हम तो बड़े जल्दी बदगुमान हो जाते हैं, हम तो सारी बुजुर्गी उस बेचारे की ढेर हो गई हमारे सामने, इसलिए कि उसने कह दिया कि अलार्म लगा रहा हूं, मैं एहसास ही नहीं है नमाज का। अल्लाह के बंदो, इंसान है ना, इंसान है, नींद तवील हो सकती है, गलबा नौम, नींद का गलबा हो सकता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन उठाएगा? बिलाल ने कहा अल्लाह के रसूल मैं उठाऊंगा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए कि बिलाल उठाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आम तौर पर ऐसे वक्त में जब इस्तराहत फरमाते थे तो बहुत कलील इस्तराहत, यूं समझिए कि एहसास, और आप अलैहिस्सलाम का हमेशा दिल बेदार रहता था, गो के आंखें आपकी सो रही होती थी लेकिन दिल आपका बेदार रहता था। बहरहाल प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी इदराक नहीं हुआ, उधर से हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला नु टेक लगा कर बैठे, जहां से सूरज तुलू होना था उस तरफ रुख करके टेक लगा के बैठे, बैठे बैठे आंख लग गई, सारी रात के थके हुए गलबा था, आंख लग गई। और जब धूप चढ़ी और सूरज की तपश आई तो फिर जागे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और हजरत उमर बेदार हुए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, एकदम नमाज रह गई, नमाज रह गई। खैर इस आवाज ने सबको खबरदार कर दिया, आप उठ गए, कहा चले यहां से। बिलाल जी अल्लाह के रसूल क्या हुआ? आपने तो कहा था उठाऊंगा। कह अल्लाह के रसूल जिसने आपको मगलूब कर दिया उसने मुझे भी मगलूब कर दिया, यानी नींद आप पर गालिबा मेरे ऊपर भी गालिबा, मैं भी इंसान, कोई आपने नहीं डांटा,
कोई कुछ नहीं आपने कहा, सुस्त निकम्मा, हमारे जैसा कोई होता तो पता नहीं क्या कह देता, हमारी नमाज छुड़वा दी तुमने। तहम्मुल करो, सबर करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को देखो। आप अलैहिस्सलाम ने कहा यहां से चलो, यहां शैतानी असरात, यहां से मुंतकिल हुए, आगे तशरीफ ले गए और आप अलैहिस्सलाम सलाम ने अजान कहलवाई और बाजमात नमाज की कजा फरमाई और आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। मन नाम अन सलातिन औ नसीहा फलयुसल्लिहा इदा ज़करहा, जो आदमी नमाज से सो गया या भूल गया, जैसे जागे पढ़ ले, जैसे याद आए फौरी पढ़ ले, ताखीर न करे। तो गोया के नमाज कजा हो जाए तो उसका हुक्म बयान किया आप अलैहिस्सलाम ने। मैं अर्ज कर रहा हूं फिर वही जुमला के तकवीनी तौर पर अल्लाह की जानिब से ऐसा फैसला हुआ कि आपसे नमाज रह जाए ताकि आप लोगों को कजा नमाज के अहकाम सिखा सके। बात समझ में आई? लेकिन मैंने अर्ज किया कि जो काम जायज होंगे वो नबी करेगा, जो काम बतकाजाए बशर होंगे वो भी क्या होंगे, नबी से सादिर होंगे। ठीक है, अब तीसरी जगह पर आइएगा कि एक काम जायज है, 100% दुरुस्त है, लेकिन मनसब और मकाम इतना बुलंद है कि उस मनसब और मकाम के शयान शान वो काम नहीं। अगर वो कोई और करे तो ठीक, लेकिन इस बुलंद मनसब के शयान शान ये काम बोलो नहीं है। तो यहां तक भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो काम सादिर हुए और फिर उस पर अल्लाह का हुक्म नाजिल बोलो हुआ। ठीक है, यहां मैंने क्या कहा, ऐसा काम जो जायज हो, दुरुस्त हो, लेकिन बोलो मुकाम के लिहाज से, बुलंदी मकाम के लिहाज से वो जरा मुनासिब नहीं, फिर नफसी जायज। बात समझे भाई? अब एक आदमी बेटे से कहता है पानी ला के दो और एक किसी आम आदमी से कहता है पानी ला के दो, उसने अगर नहीं माना तो कोई गुनाह तो नहीं है। दूसरे आदमी ने ठीक है भाई नहीं ला के दिया, फर्ज तो नहीं था उसके, लेकिन जो बेटा है ना उसको बहरहाल बाप की तामील करनी चाहिए थी, क्योंकि इसका मकाम, इसका ताल्लुक, इसका रिश्ता ऐसा है कि इसको अपने बाप के हुक्म की तामील करनी चाहिए थी, क्योंकि इसका मकाम है। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे नीचे उतरिए, वो काम जो नबुव्वत की शान के मुनासिब नहीं है, वो कभी भी नबी से सरजद नहीं हुआ, जो नबी के लिए वो काम जो हराम का दर्जा रखता है, वो काम जो मकरूह तहरीमी का दर्जा रखता है, वहां हुक्म बयान करने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने कभी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो अमल नहीं कराया, बल्कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के जान निसारों से साबित हुआ। नहीं समझे बात? मिसाल के तौर पर सरका, चोरी। अब जाहिर है चोरी करना ये नबुव्वत के शान के तो मुनाफी है ना, इसलिए कि चोरी करना गुनाह कबीरा है और कबीरा गुनाह अगर नबी से सादिर हो तो नबी की असमत, नबी मासूम फिर नहीं रहता, इसलिए नबी से कबीरा गुनाह सादिर नहीं होगा, क्योंकि इससे नबी की असमत और मासूम होने पर आंच आती है। तो ये नबी से सादिर नहीं हुआ, ये एक शख्स से सादिर हुआ, सहाबी से सादिर, सहाबी से सादिर हुआ तकवीनी तौर पर और हाथ काटने के अहकाम बयान हुए। बात समझ में आ गई? इसी तरह से जिना है, ये एक ऐसा अमल है, गुनाह कबीरा है, बदतरीन जुर्म है, तो ये अमल तकवीनी तौर पर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जान निसारों में से एक शख्स से सादिर हुआ ताकि इस पर अहकाम बयान किए गए।
वरना वो जमात मुकद्दस थी भाई। और फिर भी किसी भी सहाबी से ये नहीं साबित हो सकता कि उस सहाबी ने गुनाह कबीरा किया हो और बिला तोबा के इस दुनिया से गया हो, ऐसा नहीं। सरका जिससे चोरी सरजद हुई तोबा हुई, जिससे जिना सरजद हुआ इतनी बड़ी तोबा हुई कि आपने फरमाया कि पूरे मदीने वालों पर तकसीम कर दिया जाए तो सबकी मख्शिश हो जाएगी, इतनी बड़ी तोबा उसकी थी। बात समझे? अब आते हैं यहां क्या मसला हुआ सूरत तहरीम में। यहां मसला यह हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कसम खाई। अब मुझे बताइए कसम खाना जायज है ना जायज है? बोलो भाई, जायज है। नंबर दो, कसम खाना जायज है लेकिन ऐसे मामले में कसम खाना जहां कसम की जरूरत ना हो, वहां अगर कोई कसम खा लेता है तो क्या नाजायज है? बोलो भाई, आप बाजार जाना चाह रहे हैं, आपने बेगम से कहा अल्लाह की कसम में जाऊंगा, कसम खा ली आप अगर चले गए तो आप गुनहगार होंगे? बोलो भाई, नहीं गुनहगार होंगे। अगर आपने वो कसम खाई और नहीं पूरी की तो कफारा आएगा, ठीक है, कफारा आएगा। लेकिन अगर आप चले गए तो इस कसम के खाने पर आप गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन ये काम ऐसा नहीं था कि इसके लिए आप अल्लाह का नाम इस्तेमाल करते, आप कसम खाते, कोई ऐसी जरूरत यहां पर नहीं थी। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी एक मामले पर कसम खा ली जबकि वहां कसम की जरूरत नहीं थी, जो कि गो के कसम खाना जायज है, जायज थी लेकिन जरूरत उसकी नहीं थी। और आपने कसम इसलिए खाई ताकि जोजा मोहतरमा का दिल खुश हो जाए। तो इस तरह से कसम खाकर जोजा मोहतरमा का दिल खुश करना गो के जायज है लेकिन आप पर जरूरी नहीं है, आप पर जरूरी नहीं। तो बस यहां से उसूल ये निकाला कि ऐसा अमल करना, अपनी बीवी को की चाहत के लिए ऐसा काम करना जो खिलाफ अवला है वो जायज नहीं है, चे जाए के वो काम जो हराम हो, बीवी की चाहत को पूरा करने के लिए हराम काम करना या शोहर की चाहत को पूरा करने के लिए बीवी हराम काम में मुब्तला हो, ये जायज हो सकता है? बोलो भाई, नबी की जिंदगी से ये समझाया कि खिलाफ औला अमल भी जब दुरुस्त नहीं था तो फिर जो हराम है वो कैसे तुम्हारे लिए जायज हो सकता है? किस्सा ये हुआ, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना असर की नमाज के बाद अपनी तमाम की तमाम अजवाज के पास तशरीफ ले जाते थे, खड़े खड़े आप सब के हालात पूछ लेते थे। नौ घर थे आपके, नौ घरों से आप हाल पूछकर फिर आखिरी वहां तशरीफ लाते थे जहां आज रात को आपका क्याम होता। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास कदरे ज्यादा ठहर गए, कुछ वक्त ज्यादा ठहर गए। मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा, फिर दोहराऊंगा, फिर दोहराऊंगा, किसी मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन के जहन में कोई खदशा, कोई गलत ख्याल ना आए। फितरत के उमूर में गलत ख्याल नहीं आना चाहिए, फितरत है, फितरत है, फितरत है, औरत की फितरत है। जितना भी बुलंद मनसब और मकाम होगा ये फितरत से ताल्लुक रखती है ये चीज। तो ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आबुल इस्लाम कुछ ज्यादा ठहर गए, बाकी अजवाज को ये नागवार गुजरा। और ये नागवार गुजरना क्या है? बोलो, फितरत। ये नागवार गुजरना क्या है? फितरत। बड़ी अहम बात मैं कह रहा हूं, ये फितरत। एक घर के अंदर एक मर्द है, मां चाहती है ये मुझे तवज्जो दे, ये मां की फितरत है। बीवी चाहती है ये मुझे सारी तवज्जो दे, ये बीवी की फितरत है। बहन चाहती है ये सारी तवज्जो मुझे दे, ये बहन की फितरत है। मर्द को ये दीन समझना चाहिए ना कि ये फितरत है। अगर मां ने मोहब्बत का तकाजा किया तो मां से उलझ पड़ा, बीवी को ना टाइम दूं मैं, किस लिए लेके आए थे? ये तू शरीयत को नहीं समझता इसलिए ऐसा कर, ये शरीयत को नहीं जानता इसलिए ऐसा कर रहा है।
और अगर बीवी ने मोहब्बत का तकाजा किया, अपने पास बैठने का कहा और बीवी को तल्ख और बदतमीजी का जवाब देता है, मैं माँ का हक ना अदा करूं, ये मतलब ये हुआ कि ये फितरत नहीं समझता, ये इस्लाम नहीं जानता, ये शरीयत नहीं जानता, ये दाना और समझदार आदमी नहीं है। मैं कहा करता हूं चार रिश्ते, माँ बीवी बेटी बहन, ये चार रिश्ते, हर एक रिश्ता आपसे मुकम्मल मोहब्बत मांगता है। अब आपका काम है कि इन चारों को तवाजुन के साथ कैसे रखते हो। मां से मोहब्बत क्यों बीवी को जतलाते हो आप? अपनी बहन से मोहब्बत तुम क्यों बीवी को जतलाकर उसका दिल दुखाते हो? नहीं समझे, क्यों दिल दुखाते हो? एक मैं क्या बताऊं आपको, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत जिंदगी है। एक आदमी यूं बताया गया कि अपनी बीवी के पास आकर ये कहता है कि ये जोड़ा सिर्फ तेरे ही लिए लेके आया हूं, जबकि इसी किस्म का जोड़ा दूसरे के लिए भी लाया है। अगर आके कहता है कि ये चीज सिर्फ तेरे लिए लाया हूं, ये करना बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल जायज है। क्यों? इसलिए कि उसके दिल में तुम्हारी क्या होगी, तो तू जो बहन के लिए लेके आया है, जब बीवी में ये मामला है तो बहन के लिए जो तू लेके आया है वो क्यों बीवी को बताता है? बीवी के लिए जो लेके आया क्यों बहन को बताता है? तो ये चीजें कुछ ये मर्द पर हैं कि वो इन रिश्तों को किस तरह से लेके चलता है, वो कैसे डील करता है इन रिश्तों को। ये दानाई है, ये समझदारी की बात है। मैं तो जवानों से कहा करता हूं, बहरहाल आज जवानों को फुर्सत कहां है इन चीजों से, जब नहीं फुर्सत है तो फिर घर में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं। एक जवान मेरे पास आया, यही बेचारा रोना रो रहा था कि मां बहन बीवी, इधर बैठता हूं तो इधर से मसला, इधर बैठता हूं तो इधर से मसला, इधर बैठता हूं इधर से। बड़े प्यार से उसको मैंने ये उसूल ये जाब्ते समझाए, यकीन जानिए चंद दिनों के बाद मुझे कहने लगा, ऐसा लगता है जैसा कि मेरा घर जन्नत का नमूना बन गया। उनका बेटा ये तो तेरे ऊपर है, तुझे कैसे करना है? फिर माँ है तब भी कोई ये ऐब औरत पर नहीं है, माँ है तब भी वो नाकिसुल अकल है, बेटी है तब भी नाकिसुल अकल है, बहन है जब भी नाकिसुल अकल, बीवी है जब भी वो क्या है, अल्लाह ने तुझे हौसला दिया है, तुझे कमाल दिया है, तू इन रिश्तों को लेके कैसे चलेगा, ये तो तेरा कमाल है ना। और मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि नाकिसुल अकल का मना उस पर ऐब नहीं लगाना, कल जाके घर में तुमने डांटा तो नाकिसुल अकल है, ये उसका कमाल है। कुछ चीजों के अंदर नुकसान कमाल हुआ करता है भाई, कुछ चीजों में क्या नुकसान क्या होता है, कमाल होता है, टेढ़ापन कमाल होता है। टेढ़ापन पसली में है तो ये पसली का कमाल है, अगर पसली सीधी होगी तो फिर कैसे हम कैसे लगेंगे, मुरब्बा लगेगा एक मुरब्बा शक्ल का आदमी। बात समझ नहीं समझे? तो ये कमाल है उसका। इसी तरह से इस औरत के मिजाज में जो टेढ़ापन है या इसके मिजाज में जो नुकसान अकल है, ये इसका ये इसका तख्लीकी कमाल है। इस पर मेरे और भी मजामीन हैं काफी, अगर कोई सुनना चाहे, बहुत इस पर मैंने गुफ्तगू की है इन मजामीन पर कि ये नुकसान अकल कैसे कमाल है। एक मिसाल अर्ज करता हूं, नुकसान अकल ऐसे कमाल है कि उसके जिम्मे जो काम है ना, उस काम का तकाजा ये है कि नुकसान अकल होना चाहिए। अगर कमाल अकल होगा, सुबह बेटे ने तंग किया और शाम तक उसके दिल में वो बात रहेगी, हालांकि सुबह बेटा तंग करता है शाम को भूल जाती है उसने क्या कहा था, फिर गले लगा लेती है, ऐसा है कि नहीं? जबकि बाप में वो बात याद रह जाती है कई दिनों तक, बाप याद रहे उसने मुझे ये कहा था, मां नहीं याद रखती। ये उसके नुकसान अकल की निशानी है और ये उसके लिए और तरबी औलाद के लिए यही मौजू है कि वो भूल जाए अपनी बात, समझे? नुकसान अकल का एक फायदा यह है
कि जब उसके यहां विलादत होती है तो जो उसको तकलीफ होती है उस नुकसान अकल के नतीजे में वो बड़ी से बड़ी तकलीफ को सह लेती है। जिस तरह से सुन कर दिया जाता है तो शुरूर नहीं होता उसे, बिल्कुल इसी तरह से उसके नुकसान अकल का तकाजा ये होता है कि उसको एहसास, उसको दर्द, उसको तकलीफ कम होती है। अगर ये एहसास और ये दर्द मर्द पर डाल दिया जाए तो मर्द की मौत हो जाएगी, मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मर जाएगा वो। ये इसके नुकसान अकल का कमाल है। तो बहरहाल प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास कुछ वक्त ज्यादा ठहर गए। ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इकराम के तौर पर आपको शहद पेश फरमाया और आपने शहद नोश फरमाया, शहद आपको पसंद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वहां ताखीर से आए तो दीगर अजवाज को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने आपस में एक मशवरा किया। मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा, बतकाज़ाए बशर, फितरत का तकाजा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां ज़ौजा से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, हमसे ज्यादा। तो इन्होंने ये आपस में सलाह मशवरा किया कि आप आएंगे तो हम आपसे कहेंगे कि आप के मुंह से मगाफीर की बू आ रही है। शायद मगाफीर एक बूटी थी जो जरा बदबूदार थी, आपको बू से नफरत होती थी। तो आप अलैहिस्सलाम से कहा तो आपने कहा नहीं, मैंने तो मगाफीर नहीं खाई। तो कहा अच्छा शायद कहीं, आपने कहा मैंने शहद पिया। अच्छा मुमकिन है किसी मक्खी ने मगाफीर का फूल चूसा हो और उसके अंदर से ये बू आ चुकी हो। ये एक ज़ौजा मोहतरमा ने ऐसे कहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो दो ज़ौजा मोहतरमा थी जो आपस में ये बातचीत कर रही थी, जिनको ये नागवारी गुजरी थी कि आप वहां ज्यादा बोलो, इनकी रजा जोई के लिए आपने कसम खा ली आइंदा शहद नहीं पीऊंगा। इनकी रजा जोई के लिए कसम खा ली कि आइंदा शहद। अब समझिएगा, ना तो ऐसा राजी करना आपके जिम्मे था, ना तो इस राजी करने के लिए कसम खाना आपके लिए जरूरी था। इसको कहते हैं खिलाफ औला का। तो उस पर आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से समझाया गया, डांट आई। अब बात समझ में आ गई। तो उसूल क्या निकला इससे कि शोहर अपनी बीवी की इताअत करे लेकिन एक हद तक उसको राजी करे, उसके राजी करने में ऐसा ना हो किसी हराम को हलाल कह बैठे, किसी हलाल को हराम कर दे। दूसरा उसूल ये समझ में आया कि हलाल और हराम का इख्तियार अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिया, बल्कि ये इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास, अल्लाह के पास। तीसरी बात ये समझ में आई कि बीवियों में कभी इस तरह से इस किस्म की बातें होती रहेंगी, ये फितरत है, इसमें आपने झगड़ना नहीं है। अब समझिए, तर्जमे में आप आइए, अब बेहतरीन तर्जमा समझ में आएगा अगर ये सारी मेरी तकरीर आपने अगर मुफस्सल दिल खोल कर गौर से तवज्जो से सुनी तो इंशाल्लाह। अब देखिएगा, या अय्युहन नबी, खिताब किया प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मनसब से, मनसब नबुव्वत से, कि आप जरूर बुलंद मकाम रखते हैं, मनसब नबुव्वत है ना, लेकिन इस बुलंदी मकाम के बावजूद भी हलाल और हराम का इख्तियार आपके पास नहीं, इसलिए कहा या अय्युहन नबी। नंबर दो, बुलंदी मकाम का यह तकाजा है कि आप खिलाफ औला काम भी न करें, क्योंकि बुलंदी मकाम का तकाजा है ना। अगर आज आपने किसी हलाल को हराम कर दिया तो मुमकिन है आपकी उम्मत, क्योंकि आपकी इक्तदा करेगी, जब आपकी इक्तदा करेगी तो उस नाजायज काम में शायद आपकी इक्तदा करे। समझ में आई? तो इसलिए या यो नबी के लफ्ज इस्तेमाल किया दो वजह से। नंबर एक, बुलंद मकाम होने के बावजूद भी हलाल हराम के मालिक आप। नंबर दो, बुलंद मकाम होने के बावजूद आपको ये खिलाफ औला काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उम्मत आपकी क्या करेगी? पैरवी करेगी।
इसलिए या अय्युहन नबी खिताब किया, ए नबी लिमा तुहर्रिम, क्यों आप हराम कर देते हैं, क्यों आप हराम कर रहे हैं, मा उस चीज को, अहल्लल्लाहु लक, जिसको अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है, क्यों आप शहद को अपने ऊपर हराम करते हैं। देखो, कसम खाकर किसी चीज को अपने ऊपर हराम करना, ये जरा समझिएगा। एक चीज आपको नुकसान है, डॉक्टर ने, तबीब ने बताया कि ये चीज आपको नुकसान है, आपने तय कर लिया सारी जिंदगी मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएंगे? परहेज करने की वजह से। जायज है, कोई मामला नहीं है, कोई हराम काम नहीं है, ये दुरुस्त है। नंबर दो, अगर कोई आदमी अकीदा करते हुए, अकीदा जानते हुए किसी हलाल को हराम करता है, एक चीज हलाल थी और उसको वो हराम समझता है, अकीदा उसका ये है कि ये हराम है, तो ये तो कुफर है, समझे जी। लेकिन एक आदमी का अकीदा नहीं है, बस ऐसे उसने अगर बायसे तकर्रुब, और ये समझता है कि अगर इस चीज को मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे सवाब मिलेगा इस वजह से, तो ये बिदात है, ये भी नहीं करना चाहिए। इसलिए कि किसी हलाल चीज को इस तरह से रोक लेना कि ये रोकने से क्या होगा, मुझे सवाब होगा, भाई जनाब मैंने बकरे का गोश्त नहीं खाया सारी जिंदगी, मुझे सवाब होगा, नहीं भाई, गलत किया तूने। और एक ये है कि जनाब एक चीज आपके लिए हलाल है, आपने कसम खा ली, कसम खाने का मतलब क्या हुआ कि आपने मुअक्कद कर दी, ताकीद करके कह दिया कि इसको मैं नहीं खाऊंगा, तो जब आपने अल्लाह का नाम ले लिया तो अल्लाह के नाम लेने की वजह से अब उस काम का करना आपके लिए क्या हो गया, हराम हो गया। एक आदमी कहता है मिसाल के तौर पर शहद से मुताल्लिक ही या किसी भी शहद से मुताल्लिक, कहता है कि ये मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, वो खाना उसके लिए हलाल था या नहीं था, हलाल था, तो उस हलाल के साथ जब उसने कसम खा ली, अल्लाह का नाम ले लिया, तो अब उसका इस्तेमाल करना इसके लिए क्या हो गया, हराम हो गया। अब हुक्म ये है कि कसम का कफारा दो और इस ये जो हलाल को अपने ऊपर हराम किया था इससे आप बरी जिम्मा हो जाओ, ठीक है। तो फरमाया, क्यों आप उस चीज को हराम करते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल की है, तब तगी मरदात अजवाजिक, और ये सब कुछ फिर भी मोहब्बत भरे, शफकत भरे अंदाज से कहा कि ए प्यारे नबी, तब तगी, इससे आप चाहते हैं, यानी हलाल को हराम करने की गर्ज क्या है, तब तगी मर्दात अजवाजिक, आप अपनी बीवियों की मोहब्बत को चाहते हैं। ये दो बीवियां यहां मुराद हैं, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये दो मुराद हैं। उन दोनों का आपस में सलाह मशवरा था, समझे भाई। अब अगला जुमला सुनिएगा, बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है जो कह रहा हूं, बहुत ख्याल से सुनिएगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह पाक बख्शने वाला। इस जुमले का पहली बात से क्या ताल्लुक है कि ये जो काम खिलाफ औला हुआ है, अल्लाह तो गुनाहों को बख्शने वाला है, तो ये आपसे तो खिलाफ औला काम हुआ है, तो इसको तो अल्लाह बख्श ही देगा, नहीं समझे। ये काम क्या है, खिलाफ औला है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अब कद फरदल्लाहु तहिल्लत अयमान, कुर्बान जाऊं अल्लाह के इस कलाम पर, दो लफ्जों में नबी को खिताब किया, लेमा तो हर्रिम, क्या क्यों तू हराम कर देता है उस चीज को जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल की है, तब तगी मर्दात अजवाजिक, अपनी बीवियों की रजा जोई के लिए, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब आया हुक्म के अब आज के बाद तुम्हारे लिए अल्लाह ने ये हुक्म उतारा है कि कई कोई आदमी अगर कसम खा ले इस तरह की कि ये काम मैं नहीं करूंगा, और फिर अगर वो काम न करने की जो कसम खाई है तो उसको पूरा करने की जरूरत पड़े तो उसको कसम का कफारा दे देना चाहिए। कद फरज़ल्लाहु लकुम, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है तुम्हारे लिए, तहिल्लत अईमानिकुम, अपनी कस्मों को तोड़ना या कस्मों को खोलना, तहिल्ला हिल्लत से है खोलना, हलाल कर दिया है। वल्लाहु मौलाकुम, क्यों, इसलिए कि अल्लाह आपका मददगार है, वो मुश्किलों से आपको निकालता है। आपने कसम खा के कहा था, और लड़की ने कसम खा के कह दिया कि आज के बाद तो मैं सास से बात ही नहीं करूंगी, इसने कसम खा के कह दिया आज के बाद तो मैं तुम्हारी माँ से बात ही नहीं करूंगा, अल्लाह ने इस कसम का कफारा तुम्हें दे दिया है कि ये जो तूने
कसम खा के अपने ऊपर एक चीज हराम कर दी है, इसको खत्म करो और कसम का क्या करो, कफारा दे दो, जाओ। समझे भाई? अगर अल्लाह ये कसम का कफारा ना उतारता तो हमेशा के लिए फिर तेरे लिए बात करना जायज ना होता और फिर तू मुशक्कत में पड़ जाता। वल्लाहु मौला, इसलिए कहा ना कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है, अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किलों को आसान कर देता है। वहुवल अलीम, और वो खूब जानने वाला है। अल हकीम, वो हिकमत वाला है, उसके अहकाम में हिकमत है, भलाइयां हैं। वइद असर्रन नबी इला बाज़ अज़वाजिही हदीसा, अब आगे फिर खिताब नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, गैब के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये किया कि आपने अपनी एक जोजा, बाज़ अज़वाज ही से मुराद हफ्सा है, उनसे मशवरा था आयशा और हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों का, और फिर आपने हफ्सा के सामने जिक्र किया कि मैं आज के बाद शहद नहीं इस्तेमाल करूँगा, और ये कहा इस बात को राज रखना, जैनब को नहीं बताना, इसलिए कि उनकी दिल आजारी होगी। नहीं समझे बात? शायद कहां से पिया था? जैनब के घर से। जैनब को नहीं बताना, ठीक है, किसी को जिक्र नहीं करना, तुम शहद नहीं पीऊंगा। लेकिन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बता दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुआ, शहद पीने की क्या कर ली है, कसम खा ली। अल्लाह तबारक ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया कि आपका राज फाश हो गया। बात समझे भाई? अब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हफ्सा से क्या किया, आपने हफ्सा के सामने जिक्र किया कि आपने क्यों राज फाश किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और कुरान के अल्फाज को आप देखिए और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत मुतहरा को देखिए, कुरान नबी की सीरत को बयान कर रहा है कि हजरत जिब्रील ने जितनी बातें की उनमें से बाज बातें आपने हफ्सा को बताई, बाज नहीं बताई, जो अहम बात थी ना वो बता दी, ज्यादा नहीं बताया ताकि हफ्सा को शर्मिंदगी भी ना हो। नहीं समझी? अगर हमारा राज फाश हो जाए तो हम तो एक कहेंगे तूने मेरा राज फाश कर दिया, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू जैसा है, पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। दिल में तो बहुत सारे जज्बात है ना कि मैं क्या कहूं इसको, इसने मेरे राज को, लेकिन आपने कुछ कहा, कुछ से एराज किया ताकि हफ्सा की दिल आजारी न हो। हफ्सा ने पूछा आपको किसने कहा है, मुझे अल्लाह ने बताया, मुझे अल्लाह ने बताया। अच्छा, इस अब सुनिए, वइद असर्रन नबीयो, और वो वक्त में याद करना चाहिए जब नबी ने छुपके से बात बताई इला बाज़ अज़वाज ही, अपनी अज़वाज में से एक को, बाज़ अज़वाज को तर्जमा नहीं करेंगे। जब लफ्ज़ बाज़ जमा की तरफ मनसूब होता है ना तो मुराद एक होता है। इला बाज़ अज़वाज ही, अपनी एक बीबी से कहा, क्या कहा, हदीसा, एक बात बतलाई। क्या बात बतलाई? कि आइंदा के लिए मैं शहद नहीं पीऊंगा। फलम्मा नब्बअत बिही, जब उस एक जोजा ने बता दिया, नब्बअत खबर दे दी, बिही उस बात की खबर दे दी दूसरी को, यानी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को, तो फिर क्या हुआ, वह अज़हरहुल्लाहु अलैही, अल्लाह ने जाहिर कर दिया उस बात को नबी पर कि आपका राज फाश हो गया। फिर नबी ने क्या किया, अर्रफ बाज़हु, उस बात का कुछ हिस्सा बता दिया, अर्रफा पहचान करवा दिया उस बात का, छुपी हुई बात का बाज हिस्सा, वह आरजा अम बाज, और बाज हिस्सा छुपा लिया, एराज कर लिया, ठीक है। फलम्मा नब अहा बिही, और जब रसूल उसको बता चुके हफ्सा को, कालत, हफ्सा कहने लगी, मन अम्बा का हाजा, आपको किसने बताया, अकीदा पता चला कि आप हाजिर नाजिर नहीं हैं, आप आलिमुल गैब नहीं हैं, मन अनबा का हाजा, किसने आपको बता दिया। काला, रसूलुल्लाह ने कहा, नब्बअनियल अलीमुल खबीर, मुझे बतलाया है उस जात ने जो अलीम भी है खबीर भी है, जो दिलों के राजों को जानता है और जो हमारे हालात से क्या है, बोलो, बाखबर है। तो एक तंबीह ये हो गई कि राजों का ख्याल रखना चाहिए,
औरतों को यह तंबीह की गई है कि वो राजों का क्या करें, ख्याल रखें। अगर किसी के यहां दो बीवियां हैं, तीन बीवियां हैं, चार बीवियां हैं, तो अगर एक के सामने उसने कोई राज की बात की तो दूसरे को उसे नहीं बतलाना चाहिए। तो राज होता है। अब आगे फिर जाके उन दोनों अजवाज को तौबा की तरगीब आई कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये मशरा बामी नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये मनसूबा नहीं बनाना चाहिए था और राज भी फाश नहीं करना चाहिए था। इन ततूबा इलल्लाह फकद सगत कुलूबुकुमा, इन ततूबा इलल्लाह, अगर तुम दोनों की दोनों अल्लाह की तरफ रुजू करती हो। कुम कौन दोनों? हफ्सा और आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा। तो तौबा की तरफ रुजू करने का एक सबब भी मौजूद है, वो क्या है? फकत सगत कुलूबुकुमा, और तुम दोनों के दिल भी मायल हो चुके हैं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है, तो अब तुम्हें तौबा कर लेना चाहिए। ठीक है, ये सोहबत का नतीजा है, नबी की सोहबत का नतीजा कि तुम्हें अपनी गलती का फौरी क्या हो गया, एहसास और इदराक हो गया। तो दाना और अकलमंद औरत की निशानी यह है कि उसे अपने शोहर के सामने गलती हो जाए तो गलती का एतराफ कर लेना चाहिए। डटना नहीं चाहिए, डटने से मसाइल खराब होते हैं, डटने से इख्तिलाफ पैदा होता है, समझे भाई। और शोहर पर अपने आप को बड़ा जितलाने के लिए, या खानदानी एतबार से यह बड़ी है, माली एतबार से ये शोहर से ज्यादा है, और किसी एतबार से इसको मकाम और मनसब मिला है, तो ये शोहर पर अपनी अगर बड़ाई जितलाएगी तो इससे फिजा घर की तबाह हो जाएगी। मैं फिर अर्ज करूंगा, शरीकाए हयात है, पीछे शरीकाए हयात है, लेकिन अर्रिजालु कवामून अला निसा, शरीकाए हयात के साथ साथ वो मुशीरा है और कुव्वत फैसला मर्द के पास है। कुव्वत फैसला किसके पास है? मर्द के पास है। तो इसलिए औरत को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब अगला जुमला सुनिएगा, ये माओ बहनों के लिए बड़ा सबक है, बड़ा सबक है। वही तज़ाहरा अलैही, और अगर तुम नबी पर गालिब होना चाहती हो तो सुन लो। लिहाजा कोई औरत अपने शोहर पर गालिब होना चाहती है, बिला वजह गालिब होना चाहती है, तो फिर उसे समझना चाहिए, फइन्नल्लाह हुवा मौलाह, वो समझ ले कि बेशक अल्लाह पाक नबी का रफीक है, मौलाह रफीक है, वह जिब्रील और जिब्रील भी नबी का साथी है और रफीक है, वह सालिहुल मोमिनीन और ईमानदार लोग भी नबी के रफीक हैं और रफ़क़ा है। अब यहां बड़ी पते की बात अर्ज करूंगा, ज़हन नशीन कीजिएगा। एक बात तो लफ्ज मौला है, मौला के 36 माने आते हैं। कितने माने आते हैं? 36 माने। मौला का माना आका, मौला का माना रब, मौला का माना गुलाम, मौला का माना आजाद करदा, मौला का माना मुईन मददगार, मौला का माना रफीक और साथी। अब यहां आप सुनिएगा, फइन्नल्लाहा हुवा मौलाहु, बेशक अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौला है, यानी अल्लाह नबी का रब है, समझे भाई। मुईन और मददगार है वो जिब्रील, जिब्रील भी नबी का मौला है, साथी है, साथी है, और सालेहुल मोमिनीन ईमान वाले नबी के मौला हैं। मौला का माना इत्तिबा करने वाला, नबी के इत्तिबा करने वाले। मौला का माना यहां क्या हुआ? इत्तिबा करने वाला, ईमानदार लोग नबी की क्या करने वाले हैं? इत्तिबा करने वाले। तो यहां मौला, पहले वाला मौला जो है अल्लाह मौला है, अल्लाह रब है, जिब्रील मौला है, साथी है, ईमान वाले मौला है, माना यह कि ईमान वाले क्या हैं? नबी की बोलो इत्तिबा करने वाले। और एक और बात बड़ी अहम कहने लगा हूं, ये खिताब किसको हो रहा है? दोनों को, दो बीवियों को, ठीक है। तो इसलिए कहा, बाज मुफस्सरीन ने लिखा वसालेहुल मोमिनीन,
और ईमान वाले भी नबी की इत्तिबा करने वाले हैं, लिहाजा इससे मुराद अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा हैं। ऐ आयशा आप भी सुन लीजिए, ऐ हफ्सा आप भी सुन लीजिए, अगर आपने नबी पर गलबा करने की कोशिश की तो ऐ आयशा अबू बकर आपका साथ नहीं देंगे, ऐ हफ्सा उमर आपका साथ नहीं देंगे बावजूद बाप होने के। समझे भाई? तो ये बाप को क्या सबक दिया जा रहा है कि बाप को हकायक देखने चाहिए, बाप को हमेशा बेटी का साथ ही नहीं देना चाहिए। मेरे प्यारे हकीकत क्या है? हकीकत तो सुनो ना, ना दबाओ। क्यों दबाते हो? दामादों को दबाना शुरू कर दिया? नहीं भाई, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान के ससुर हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ससुर हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो दोनों के क्या हैं? दामाद। देखो तो सही कि किस तरह से आपने अपनी बाहों को, बाजुओं को कैसा मजबूत किया, कैसा मजबूत किया, कैसा मजबूत किया। मैं यकीन जानिए जब नबुव्वत का तसव्वुर करता हूँ और इन चार खुलफा का तसव्वुर करता हूँ तो मुझे यूं नजर आ रहा कि ये अबू बकर उमर पीछे पुश्त पर दो खड़े हैं और ये उस्मान वाली सामने खड़े, जैसे बड़े पीछे होते हैं ना सरों पर बड़ों का, ये पीछे दो बुजुर्ग हैं और ये सामने दो बुजुर्ग हैं बच्चों की तरफ। अल्लाह अकबर। इसलिए ये है खिलाफत राशिदा, इसको कहते हैं खिलाफत राशिदा। इन चारों खुलाफा ने जो हुकूमत का जमाना गुजारा इसको कहा जाता है खिलाफत राशिदा अला मिनहाजिन नबुव्वा। तो अकराबा से, रिश्तेदारों से, दामाद से, ससुर से आदमी को मजबूती मिलती है भाई, सपोर्ट मिलती है। आज कौन समझता है इस चीज को? समझे भाई? तो ससुर को तो घास नहीं डालते और ससुर से तो बिला वजह उलझाओ, बिला वजह उलझाओ ये भी नहीं होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। इसलिए कि उसने अपनी बेटी आपको दी है और उसने अपनी लख्त जिगर आपको दी है, आपके सुपुर्द की है, वो आपके बाप की तरह है, उसका ख्याल रखना चाहिए। बाप का अपना मकाम है, इसका अपना मकाम है, ख्याल रखना चाहिए, इज्जत से पेश आना चाहिए, सास से इज्जत से पेश आना चाहिए, ख्याल से पेश आना चाहिए। तो ये बड़ी बारीकियां हैं, ये रिश्ते के मामलात शरीयत समझाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। ये सारी बातें मेरे अजीज़ों ये सिर्फ तर्जमा पढ़ लेने से नहीं आती, ये सारी बातें अपने ज़ौक़ मुताला से नहीं आती, ये किसी के पास आप बैठेंगे, शागिर्दी हासिल करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, कुरान करीम को उस तरह से समझेंगे जिस तरह से समझने का हक है। अल्लाह अकबर। आगे वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर, सुभान। जिब्रील आपके साथी हैं और ईमान वाले भी आपके साथी हैं, वो मफ़हूम मैंने बता दिया कि ईमान वालों से अबू बकर उमर को मुराद लो तो फिर मतलब क्या हो जाएगा कि ख्याल रखिएगा आप दोनों, अगर आपने गलती की तो अबू बकर उमर भी बावजूद बाप होने के आपका साथ है? नहीं देंगे, वो साथ देंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां अपने बाप के बल बोते पर ना बहुत बदमाशी कर रही होती हैं, शायद मैं लफ्ज सख्त कह दिया तो मैं माजरत चाहता हूँ, समझे, किसी सरकारी बड़े ओहदे पर फायज है और जनाब वो जनरल और कर्नल है तो वो गुरूर इसमें भी आ गया, मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, क्यों भाई? और फिर वो साहब भी ये नहीं देखते कि जनाब मेरे दामाद ने क्या किया, गलती किसकी है, वो भी चढ़ाई करके ले आते हैं, वो भी जनाब पुलिस बुला ली, गाड़ियां बुला ली। अल्लाह क्या तो जवाब देना है, अल्लाह क्या तो जवाब देना है। ना जुल्म करो किसी के साथ, ना ज्यादती करो किसी के साथ, ना बेटी के साथ ज्यादती हो, ना दामाद के साथ ज्यादती हो। देखो नई जिंदगी गुजर रही ना तो जुदा कर दो, ना इनको उलझाओ, ना इनको टेंशन इनकी बढ़ाओ। एक मामला अगर यूं समझे कि आपने हर तरह से मुमकिन कोशिश कर ली, और कुरान करीम के पीछे उसूल में बता चुका हूं, मियां बीवी के दरमियान में इस्लाह के उसूल बता चुका हूं, उन उसूलों को अपनाने के बाद अगर बात नहीं बन रही तो कल से आज फैसला कर लो, अगले साल से इसी साल फैसला कर लो ताकि जनाब ये मामला तूल न दीजिए। वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर, और उसके बाद
बाकी मलाइका भी रसूलुल्लाह के मददगार हैं, तो माना कि मलाइका उतरेंगे ना तो नबी को सुकून रहेगा, अगर नबी को आप घर में सुकून नहीं दोगी तो नबी के लिए सुकून के और असबाब अल्लाह ने पैदा किए हुए हैं। नहीं समझे? नबी के पास जिब्रील आ गए, सारे गम छट गए। नबी अलैहिस्सलाम के पास मिकाइल आ गए, गम छट गए। आपके पास 70,000 नूरानी मखलूक उतर आई तो आपके सारे गम छट गए भाई। लेकिन याद रखिएगा, तुम्हारा शोहर नबी तो नहीं है। मेरी बहन याद रखना, तुम्हारा शोहर नबी तो नहीं है। अगर उसको तुम घर से गम देती हो तो वो उसके गम का मदावा कहां होगा जाकर? उसको तूने ऐसा गम दिया है, ऐसा गम दिया कि ना वो अपनी मां से शेयर करता है, कर सकता है, ना अपने बाप से शेयर कर सकता है, ना अपने भाई से, ना अपनी बहन से। वो क्या करेगा? वो गम में कुड़ेगा नहीं तो और क्या होगा? वो फिर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा नहीं तो और क्या करेगा? फिर वो कोई नाजायज रास्ते में मुब्तला होगा। उसे गमखार चाहिए, उसके गमों को हल्का करने वाला उसे एक साथी चाहिए, उसे एक रफीक चाहिए, रफीक जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए, उसे एक शरीक चाहिए जिंदगी का, और तू शरीक बन के नहीं दिखा रही। तो वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर के लफ्ज़ से समझ में आता है कि औरत को चाहिए कि वो मर्द के लिए घर के अंदर सुकून फराहम करे, सुकून फराहम करे। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। कहा अल्लाह ने तुम्हें जोड़ा जोड़ा बनाया है, क्यों बोलो? लितस्कुनु इलैहा, ताकि ऐ मर्दो तुम्हें सुकून हासिल हो, तुम्हें सुकून हासिल हो। पता ये चला कि औरत की तखलीक का मकसद मर्द का सुकून। औरत की तखलीक का मकसद क्या है? मर्द का सुकून है। तो फिर इसको अपने घर के अंदर सुकून का सामान फराहम करना चाहिए, इसको अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, ये सुकून का जरिया है। शाम को शोहर आए, जगह साफ सुथरी, पाक साफ जगह उसको बैठने की फराहम करनी चाहिए। नंबर दो, ये अपने आप को भी साफ सुथरा रखे, ये शोहर के लिए सुकून का जरिया है। जब ये शादी पर जाती है तो घंटा घंटा मेकअप करती है, और जब शोहर आता है तो उसके लिए वो मैले कुचैले कपड़ों में बैठी है, तो मतलब है कि ये सुकून नहीं पैदा कर रही है घर, ये सुकून नहीं पैदा कर रही है। इसे अपने शौहर के लिए रोजाना तैयार होना चाहिए। ये रोजाना तैयार होना इसके लिए इबादत है। ये रोजाना तैयार होना इसके लिए न सिर्फ इबादत है, बल्कि शौहर की इफ्फत और पाक दामनी और उसकी नजर की हिफाजत का मौसर जरिया है कि ये अपने आप को पाक साफ रखे और तैयार होकर रहे। मुझे आप ये बताओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि जब तुम में से कोई आदमी अपने घर को आए, अचानक ना आए, घर में आने की इत्तला करे, ये शरीयत सुनी है कभी? ये हुक्म कभी सुना है? ये मेरे प्यारे जवान ने जिसने शादी की है, उसने कभी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुना है? और इसमें औरत के मिजाज की रियायत देखी है कितनी है? क्या कि तुम में से जब कोई आदमी अपने घर को सफर से लौटे तो अचानक ना आए, बल्कि पहले अपनी आमद की इत्तला कर ले, ताकि औरत अपने जायद बालों को साफ कर ले और अपने आप को तैयार कर ले। वाह कुर्बान जाऊं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी जात गिरामी पर कि आपने कितने बारीक बारीक मसाइल बतलाए और मर्दों और औरतों के मिजाज की कैसी रियायत रखी। अचानक अगर तुम धड़ल्ले से पहुंच गए, वो मैली कुचैली है, तुम्हारे दिल में नफरत पैदा होगी। किसी ऐसी हालत में है कि जिसे तुम्हें देखकर नागवारी हो, तो घर की जिंदगी, इस दिवाजी जिंदगी की बुनियादों में दरारें पड़ सकती हैं। इसलिए आप तशरीफ लाते, पहले मदीने में कासिद आता के ऐलान करता, भाई लश्कर पहुंचने वाला है, फलां वक्त में पहुंचने वाला है, कल सुबह 8 बजे तक, सुबह के वक्त, चाश के वक्त, इस वक्त लश्कर पहुंच जाएगा, शाम को आके ऐलान हो जाता। तैयारी का मौका मिला कि नहीं मिला? फिर आप तशरीफ लाते, आप आके पहले मस्जिद में तशरीफ लाते, सीधे आके घर में नहीं। हम तो क्या कर, देखना चाहते हैं कि घर में हो क्या रहा है। हमारा तो ये हाल है ना, धड़ल्ले से हम पहुंचे नहीं भाई। जब तक कोई यकीनी अमर सामने ना आए तो यूं जासूसियां ना करो, यूं जासूसियां न करो, बद एतमादी पैदा होगी, इससे बद फिजाई पैदा होगी। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बीवी फरमाती हैं कि मेरे शोहर अब्दुल्ला आते तो वो घर में दस्तक दे के आते थे, हालांकि मैं अकेली होती थी घर में।
का आपके लिए भी दस्तक देते थे? हाँ, का खंकारते थे, खड़ाओं की आवाज आती थी, खड़ाओं जूतों के पैरों की आवाज आहट करते थे, मुझे महसूस हो जाता था कि अब्दुल्ला अचानक नहीं दाखिल होते थे। अल्लाह अकबर। तो इसलिए मैं क्या अर्ज कर रहा था कि औरत को चाहिए कि घर में मर्द के लिए सुकून का बोलो भाई सबब बने, इंतजाम करे, सफाई सुथराई रखे घर में, अपने आप को संवार कर रखे, बच्चों को साफ सुथरा रखे, घर में एक आराम सुकून का एक माहौल फराहम करने की कोशिश करे, घर में उसके कपड़ों का, उसके खाने का, उसकी जरूरियात का ख्याल रखे, इससे उसको सुकून मिलेगा। अब आगे देखिएगा, अब अज़वाज मुतहरात को तंबीह भी और एक मुसलमान औरत की सिफात भी, और ये आयत में पेश किया करता हूं इंतखाब रिश्ता के लिए। इन सिफात को देखा जाए, आसा रब्बुहु इन तल्लकाकुन्ना, यकीन है उसके रब का, यकीनी बात है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रब पर यह बात बिल्कुल यकीनी है, इन तल्लकाकुन्ना अन युब्दिलहु, अगर नबी तुम औरतों को तलाक दे देता है, अगर नबी तुम औरतों को तलाक दे देता है और अगर तुम नबी पर चढ़ाई करोगी तो नबी तुम्हें तलाक दे देता है, तो यकीनी बात है अन युब्दिलहु कि अल्लाह पाक उस नबी को तुम्हारे बदले में अता करेगा अज़वाजन, दीगर औरतें, खैरम मिनकुन, जो तुमसे ज्यादा अच्छी होंगी, जो क्या होंगी, तुमसे बेहतर। ये तो तयशुदा बात है कि नबी अलैहिस्सलाम की तमाम अजवाज कायनात में सबसे बेहतरीन औरतें, इनसे ज्यादा बेहतर कोई और नहीं। लेकिन जब दीगर औरतें, अगर तुम्हें नबी फारिग कर देता है और जब तुमसे तुम्हें फारिग कर दिया तो अब तुम्हारे अंदर जो सबसे बेहतर होने का वस्फ था नबी का घराना, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, लिहाजा वो बेहतरी नहीं रही। अब जो दूसरी औरतें आएंगी उनको ये एजाज हासिल हो जाएगा, वो तुमसे क्या हो जाएंगी, बेहतर हो जाएगी। ये मतलब है मुस्लिमातिन, और क्या होंगी, नंबर एक, सर से लेकर पैर तक इस्लाम सजा हुआ होगा, मुस्लिमात, हुक्म मानने वालियां होंगी, हुक्म बरदार होंगी, अल्लाह का हुक्म भी, अल्लाह के रसूल का हुक्म भी, नबी का हुक्म भी, शोहर की इताअत भी, मुस्लिमातिन मोमिनातिन, यकीन महकम रखने वाली होंगी, अल्लाह की जात आली पर भरोसा जिस औरत का जितना होगा तो घर की तंगी तकलीफ पर क्या कर लेगी, बर्दाश्त कर लेगी, कम्प्रोमाइज कर लेगी, इसलिए कि अल्लाह पर यकीन है ना, शोहर ने कहा कि इंशाल्लाह करीब अल्लाह मुझे देगा तो तुझे मैं अच्छा लाके दूंगा, अच्छे कपड़े दूंगा, तो उसे अल्लाह पर यकीन है, वो दुआएं मांग रही है तो यकीन हो जाएगा उसको भी, तो वो भी इसका एतबार कर लेगी। और अगर उसको अल्लाह की जात आली पर भरोसा और यकीन ना हो तो वो यही कहेगी बस सूखे ही दावे देता रहता है मुझे। अल्लाह अकबर। कानितातिन, इताअत शियार, नमाजों में खड़ी होने वाली, कुनूत, लंबी लंबी नमाजें पढ़ना, लंबे रुकू करना, लंबे सजदे करना, ताइबातिन, तोबा करने वालियां, और तोबा करने वालियों का एक तर्जमा मैं ये अर्ज किया करता हूं, अपनी गलती का एतराफ करने वाली, उसी को अल्लाह की गलती है, अल्लाह के सामने गलती की है तो उसका नाम तोबा है, शोहर के सामने है तो भाई गलती का एतराफ कर लो, इसी का नाम एतराफ है। आबिदातिन, इबादत करने वालियों, कि जब आदमी घर में दाखिल हो तो उसको किसी नेक काम में देखे, किसी गुनाह में मुब्तला न देखे, लगवियात में न देखे, बेहुदा काम में लगी हुई न देखे, उसकी इबादत घर की, अपने शोहर के लिए घर संवारना ही उसकी इबादत, अपने शोहर के लिए बनाओ सिंगार करना ही उसकी इबादत, और बच्चों की नेक तरबियत करना ये उसकी इबादत है, और इसी तरह से अल्लाह पाक की इबादत को बजा लाना भी उसकी इबादत है। साएहात, साएहात का माना है रोजा रखने वाली, और रोजे का मकसद क्या होता है, ख्वाहिशात पर काबू पाना, तो माना यह हुआ कि वो ख्वाहिशात पर काबू पाने वालियां हैं, जब ख्वाहिशात पर काबू पाने वाली औरत जिस आदमी को मिल जाए तो घर के खर्चे कम से कम होंगे, कनात पसंदी होगी, ऐसा नहीं कि आज ये भी मुझे खाना है, आज मुझे ये भी, आज तो मुझे फलां जगह से खाना खाना है भाई, आज तो मुझे जनाब फलां एक बड़े होटल में जाना है,
हर हफ्ते लेके जा रहा है बेचारा, हर हफ्ते लेके जा रहा है, नहीं गुंजाइश है फिर भी लेके जा रहा है, मजबूरी में आ गया है। तो यहाँ मजबूरी में फिर वही बात है कि ऐसा काम क्यों करते हो जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो, वो क्यों करते हो, कर्ज लेके तुम क्यों लेके जाते हो उसको, नहीं लेके जाओ, कम पर किफायत करो। औरत को भी चाहिए कि जनाब किफायत कर लेना चाहिए, बच्चों को किफायत शारी सिखाना चाहिए। हाँ आप तो कभी लेके जाते ही नहीं है, हालांकि हर महीने लेके जाता है, और फलां पड़ोसन तो उसको तो महीने में 2 मरतबा जाना हो बाहर जाके खाना खा, वो फलां तो 3 मरतबा खाना खाते हैं, फलां के घर में तो ये आता है। अब तुम फलां के घर को ना देखो, मेरी बहन मेरी बेटी तू अपने घर को देख, तो अपने शोहर की आमदनी को देख कर फैसला कर, अपने शोहर की आमदनी को देख कर फैसला कर, ठीक है ना। लियुनफिक ذو ساعة من ساعته, वो सात वाला अपनी वसात के मुताबिक खर्च करता है। वमन قدر عليه رزقه, जिसका रिज्क तंग है, فلينفق مما آتاه الله, जो अल्लाह ने उसे दिया है उसी में से खर्च करे, अल्लाह ने उसको जो आमदनी दी है उसी में से खर्च करे, चोरी करके ना खर्च करे भाई, समझे भाई। उसी माहौल में अजवाज मुतहरात भी थी, उसी माहौल में अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो भी हैं, उनकी बीवियां भी थी, वो मालदार थी, समझे। तो ये निजाम है जिंदगी का, किसी को मालदारी किसी को गुर्बत किसी को तवस्सुत मुतवस्सित, जिंदगी अल्लाह का निजाम है। लिहाजा ये नई शिकायत शोहर को खास तौर पर इस पर तंज नहीं करना चाहिए, ताना नहीं करना चाहिए। अगर शोहर आपका अपनी मकदूर के मुताबिक अपनी ताकत के मुताबिक वसात के मुताबिक मेहनत करता है तो बस उस पर किफायत करो और अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। यह है साएहातिन, उसके बाद फरमाया सय्यिबातिन। ये 6 सिफात तो पहले की हैं, सय्यिबातिन माना यह है कि कुछ बेवा होंगी व अब कारा, और कुछ कमवारियां होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख्द में कमवारी सिर्फ हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, बाकी सब की सब क्या हैं, बेवा हैं। पता ये चला, इससे इशारा इस बात की तरफ निकला कि खैरन बेहतरीन औरतों में कमवारियां भी हो सकती हैं और बेहतरीन औरतों में बोलो बेवा भी हो सकती है। तो बेवा को क्या माशरे में जीने का हक नहीं है, जिसका शोहर मर गया उसके साथ कोई शादी करने को तैयार नहीं है। कितने रिश्ते आते हैं हमारे पास, जी रिश्ता एक बेवा है जी, नहीं जी बेवा से नहीं करनी। अच्छा भाई उसके साथ बच्चा है, नहीं बच्चा ना लाए तो फिर बच्चे को कहां छोड़ दे, मार दे उसको, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। कितनी औरतों को रिश्ते दिखाए जाते हैं कि भाई इस तरह से एक आदमी है और जनाब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है और उसके 2 बच्चे हैं, नहीं नहीं बच्चे नहीं होने चाहिए, तो उन 2 बच्चों को क्या करेगा फिर। ये हमारे माशरे के अंदर ये गलत ख्यालात औरतों के दिलों में भी मर्दों के दिलों में भी गलत ख्यालात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में कोई भी ऐसा तसव्वुर नहीं था, कोई भी ऐसा तसव्वुर नहीं था कि जनाब एक औरत बेवा है, एक औरत मुतल्लका है, एक औरत के शौहर का इंतकाल हो गया, या एक खुला लेने वाली औरत है, अब उसको किसी दूसरी जगह पर निकाह न मिले, वहां यह तसव्वुर नहीं था। या 2 शोहरों से बेवा हो चुकी है अब निकाह न मिले, यह तसव्वुर नहीं था। 3 शोहरों से बेवा हो चुकी है अब निकाह न मिले, यह तसव्वुर नहीं था। ये बदतरीन फिजा आज हमारे माशरे के अंदर है, जिसकी वजह से बहुत सारे मर्द, अब मैं उनको जवान तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे मर्द बेचारे जिनकी जिंदगियां ढल चुकी हैं, और बहुत सारी औरतें जिनकी जिंदगियां ढल चुकी हैं बगैर निकाहों, जबकि बहुत बड़ा जुल्म है। वो अपने साथ भी जुल्म कर रही हैं और ये भी अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। उनको मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उन्हें रिश्ता कर लेना चाहिए, वो बच्चों को ना देखें, वो ये ना देखें, ये चीज़ें ना देखें। इस्लाम इन चीज़ों की मुखालफत करता है, और जब वो इफ्फत और पाकदामनी और ज़रूरत समझ कर निकाह करेंगी तो अल्लाह तबारक तआला जो है उस निकाह में बरकत अता करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा नासु वल हिजारा, ए ईमान वालों, अब ये खिताब बड़ा अहम आया है ईमान वालों को। ए ईमान वालों, क़ू अन्फुसकुम, बचाओ अपने आप को। ये अब आप इसको यूं समझ लीजिए कि यहां तक आयत नंबर 5 तक मियां बीवी की जिंदगी को बयान किया ना, शोहर को कहां तक बात माननी चाहिए, बीवी को कहां तक माननी चाहिए, एक बीवी की सिफात क्या होनी चाहिए, अगर बीवी से गलती हो जाए तो उस गलती का क्या होना चाहिए, एतराफ कर लेना चाहिए, शोहरों के राजों को क्या करना चाहिए, राज रखना चाहिए, ठीक है,
इन सब बातों के बाद अब तरबियती निजाम समझाया है दोनों को, मर्द और औरत दोनों को तरबियती निजाम समझाया है। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। अब तुम दोनों मिलकर अपने आप को भी और अपने घर वालों को, बच्चों को और बीवी शोहर को, शोहर बीवी को जहन्नम की आग से बचाए। अहल घर वाले, घर वाले समझे भाई। तो घर वाले कौन हैं? घर वाले में सबसे पहले आदमी की बीवी, उसके बच्चे हैं। बीवी के घर वाले कौन है? उसका शोहर है, उसके बच्चे हैं। खू अनफुसकुम, खू का माना बचाओ, अनफुसकुम अपने आप को, वाहलीकुम अपने घर वालों को, नारन दोजख से। कैसी दोजख? वकूद हन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। उसको भड़काने के लिए और उसको ऊंचा करने के लिए इंसान डाले जाएंगे और पत्थर डाले जाएंगे। पत्थर ऐसा पत्थर होगा जो इतना तपश और हरारत रखता है कि दूर से आदमी को उसकी हरारत पहुंचेगी, दूर से उसकी हरारत। कुछ पत्थर इस किस्म के हैं कि जो अपनी हरारत को फेंकते हैं और लोहे से भी ज्यादा गर्म होते हैं। अल्लाह अकबर। अलैहा मलाइकतुन, और उस पर ऐसे फरिश्ते हैं, गिलाजुन सख्त मिजाज, माना ये कि उनके अंदर रहम नहीं है, शिदादुन और गिलाजुन जबान के सख्त, शिदादुन दिल के सख्त, ला यासून अल्लाह, और नई नाफरमानी करेंगे, मा अमरा हम अल्लाह ने जो उनको हुक्म दिया होगा, अल्लाह ने हुक्म दिया होगा, मुसल्लत किया होगा फलां को सजा देने पर, तो वो नाफरमानी नहीं करेंगे। वह फालून, और वो कर गुजरेंगे, मा युमरून जिसका उन्हें हुक्म दिया जाएगा। तो इस आयत बय्यिना के अंदर आयत नंबर 6 में पूरा घर का एक तरबियती निज़ाम समझाया गया है कि ये माँ बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलादों को, मर्द की जिम्मेदारी है अपनी बीवी को और बच्चों को जहन्नम की आग से बचाए, और इसी तरह से औरत की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को और अपने शोहर को जहन्नम की आग से बचाए। आइए हम इस पर गौर करते हैं कि इस जिम्मेदारी को हमने कितना निभाया है। आज से हम गौर करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, किसको खिताब है? ए ईमान वालों, हम भी ईमान वाले हैं कि नहीं? अल्लाह पर ईमान रखते हैं कि नहीं? किताब पर ईमान है, आखरत पर ईमान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है। अब सवाल यह है कि इस आयत पर हमने कितना अमल किया। इतनी खतरनाक आयत है, इतनी खौफनाक आयत है कि जिस आयत को सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज दुनिया में अगर आपसे कोई कहे अपने बच्चे को आग से बचाओ, शोहर को आग से बचाओ, घर में आग लग गई है, जगाओ जगाओ, कोई औरत यह कहेगी कि नहीं अभी अभी आके सोया है, थका हुआ था? तो ये फजर की नमाज के लिए न उठाने का मतलब ये हुआ कि ये जहन्नम की आग में जल रहा, ये बेटा जहन्नम की आग में जल रहा है अगर फजर की नमाज इसने नहीं पढ़ी तो, ये जहन्नम की आग में जल रहा है, लेकिन फिक्र ही नहीं है इसकी। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, आज सब आराम से उठेंगे 10 बजे 11 बजे। ये घर आग में नहीं जल रहा तो और क्या हो रहा है? इस घर में एसी भी लगे हुए हैं फिर भी आग, सारी ठंडक का इंतजाम होने के बावजूद फिर भी घर में आग है जहन्नम की भाई। इसलिए जो आप अहबाब मेरी बात को सुन रहे हो, आप इस बात को आगे फैलाओ। एक आदमी तुम्हें कहे कि अगर सुबह तुम 8 बजे न घर से निकले तो तुम्हारे घर में आग लगा दूं, और वो आदमी बाइख्तियार हो, बाइख्तदार हो और वो लगा सकता हो, तो बताओ उसकी बात सुनकर अपने घर वालों को घर से निकालोगे कि नहीं निकालोगे? यार पता नहीं दिमाग फिर आदमी है क्या ना करता, इसको इख्तियार है। तो बताओ अल्लाह को कितना इख्तियार है? वो मालिक व खालिक कह रहा है, वो मालिक व खालिक कह रहा है कि अपने आप को और अपने बच्चों को दोजख की आग से बचा लो, इस आग से खुलासी हासिल कर लो। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आप अलैहिस्सलाम सल्लम रातों को उठकर कहा करते थे, या फातिमा अनकिजी नफ्सके मिनन नार, ए फातिमा अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले, फैनी ला अमलिकु लकी मिनल्लाहि शैआ, मैं अल्लाह के अजाब से तुझे नहीं छुड़ा सकता। एक एक जोजा मोहतरमा को, बेटियों को, अजवाज को पुकार पुकार कर आप कहते थे, या आयशा अनकिजी नफ्सके मिनन नार, आयशा अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले, फैनी ला अमलिकु लकी मिनल्लाहि शैआ, मैं अल्लाह पाक के अजाब से आपको नहीं छुड़ा सकता।
ये न कहना, ये न कहना, ये न कहना कि मेरा शोहर अल्लाह का रसूल है। फातिमा तू ये न कहना कि मेरा बाप अल्लाह का रसूल है। इसलिए आगे वाकयात सुनाए हैं, सुभान अल्लाह, वक्त नहीं, आगे वो वाकयात सुनाए। देखना लूत अली सलातु वसलाम की बीवी कुफर पर थी, तो बताओ ना लूत अली सलातु वसलाम की नबुवत ने बीवी को जहन्नम की आग से बचाया, नहीं बचाया। नूह अलैहि सलातो सलाम की बीवी काफिर थी, काफिरा थी, क्या नूह अलैहि सलातो सलाम की नबुवत और रिसालत ने उसको जहन्नम की आग से बचा लिया? नहीं बचाया। और देख आगे फिर दो तस्करे और आ रहे हैं, देख फिरौन की बीवी आसिया मोमिना थी, मूसा अलैहि सलाम पर ईमान लाने वाली थी। बताओ कि फिर उस आसिया को फिरौन के कुफर ने कुछ जरर दिया? नहीं दिया। तो ये चार आगे औरतों के वाकयात इसलिए आ रहे हैं, हजरत मरियम का किस्सा वो इंशाल्लाह अगली नशिस में मैं अर्ज कर रहा हूं। तो भाई यहां फिक्र करने की जरूरत है। मैं फिर एक मरतबा अर्ज करता हूं कि इस आयत पे गौर करो और फिक्र करो, अपने घराने की फिक्र करो। आओ आज से मुहिम चलाते हैं हम अपने घरों के अंदर कि हम अपने घरों को जहन्नम की आग से बचाएंगे, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह है। हर आदमी मेहनत करे, हर आदमी, न शर्माओ, न शर्माओ, न शर्माओ, न किसी की मलामत की परवाह करो, न मलामत की परवाह करो, डट के लग जाओ, थकाओ अपने आप को। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो अपने आप को थकाएगा, ये नहीं कि आज तुमने दावत दे दी, आज कावे नमाज पढ़ा करो बस, उठ बेटा नमाज पढ़ा कर बस, अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। थकाओ अपने आप को तो फिर अल्लाह कहता है लनहदियन्ना हम सुबुलना, फिर हम हिदायत और रहनमाई के रास्तों को खोल दें अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, मर्द अपनी बीवी के लिए, बीवी अपने मर्द के लिए। कब तड़पी है ये तड़प आएगी अंदर, तो अल्लाह पाक कहता है लनहदियन्ना हम सुबुलना, फिर हम रास्ते खोलेंगे हिदायत, फिर रास्ते खोलेंगे हिदायत। तो एक औरत किसी जगह पर जाती है तो वो पूरा घराना बदल देती है, औरत का बड़ा किरदार है। इसलिए इस इज्दिवाजी और आयली जिंदगी को बयान करने के बाद इस आयत को लाए कि खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐसी जहन्नम से अपने आप को बचाओगे जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, और उस पर फरिश्ते और वो सख्त मिजाज, दिल के सख्त, जबान के सख्त, और वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, जो अल्लाह का हुक्म होगा उसका पूरा करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना कफरू ला तअ्तज़िरुल यौम, और उस दिन क़यामत के दिन काफिरों को कहा जाएगा ए काफिरो आज माजरत न करो। माजरत का दिन दुनिया था, गलती के एतराफ़ करने का दिन कहाँ था भाई, दुनिया। इन्नमा तुज़ऊन, आज तुम्हें बदला दिया जाएगा। मा कुंतुम तअमलून, जो आमाल तुम करते हो तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला मिलेगा। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ़्सी व ज़ीनत अर्शी व ज़ात कलिमातिही। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अज़िरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाब अल-आख़िरा। अल्लाहुम्मा अस्तिर अवरातना व आमिर रवआतना, या हय्यू या क़य्यूम बि रहमतिका नस्तग़ीस, अस्लिह लना शानना कुल्लहु व ला तकिलना इला अन्फुसिना तरफ़ता ऐन। अल्लाह हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह इस मजलिस को हमारी बख्शिश का ज़रिया बना। अल्लाह हमारे घर वालों की, सब की, बच्चों की, बच्चियों की, घर वालों की हिदायत का ज़रिया बना। अल्लाह मर्दों और औरतों की हिदायत का ज़रिया बना। अल्लाह हमें आगे मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह दूसरों को दीन पर लाने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह दूसरों को ऐसी मजालिस में लाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो पढ़ा उस पर अमल की तौफीक अता फरमा, जो सुना उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा, जो कमी कोताही रह गई अपने फजल से माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी इस मजलिस को हम सब के वालिदैन की बख्शिश का ज़रिया बना। अल्लाह जो हमारे आयज़ा अक़रबा दुनिया से रुख़सत हुए उन सब की बख्शिश का ज़रिया बना। अल्लाह हमारी नस्लों को दीन पर लाने का ऐसे ज़रिया बना। अल्लाह इस फिज़ा को पूरे इलाके में आम और ताम फरमा। अल्लाह हर शर से, हर फितरे से हमारी हिफाजत फरमा। इस घर में जो अहतमाम हो रहा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। घर से आफात व बलियात व बसाइब और परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद रसूलुल्लाह।